केंद्र सरकार वालों बजट पेश किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और बजट के बीच जो गल करिए आप सब तो पहले क्योंकि पिछला एक साल जो बड़ी ही मतलब बुरे हालात जो देखे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉस चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग होना होया हूँ जो अज बजट पास होया है और बजट की जो गल्ला की गई ने तुम एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट की समझते हो कि यह बजट जो आम लोग ने सब तो पहले आप आम लोगों की गल करते हैं कि आम लोगों को की फायदा होगा। देखो इस बजट का जोड़ा मेन थ्रस्ट जोड़ा है वो रहा ही आम बंदे के उत्ते है क्योंकि गवर्नमेंट में भी पता कि पिछला एक साल बड़ा चैलेंजिंग रहा है और लोग जोड़े बड़े परेशान रहे एक साल तो गवर्नमेंट का जोड़ा मेन फोकस रहा है वो हैल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हों के उत्ते ह्यूज एक्सपेंडिचर का उन्होंने फोकस है क्योंकि ह्यूज एक्सपेंडिचर होएगा और मार्केट के पैसा इंजैक्ट होएगा और उसके नाल मार्केट्स जी चलनी शुरू होएगी और जी अनइंप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो उत्ते भी कितने ना कितने नकेल पएगी और लोगों के जोड़े कारोबार द्वारा ट्रैक पर आने शुरू होंगे और इस लिहाज के नाल बजट के उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया और इन्ना ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वो एकदम मार्केट के विद इन फ्यू मंथ्स सानू ये चेंजिस देखने को मिलेंगे और दूसरा एक बहुत अच्छा स्टैप उन्होंने किया कि 80,000 करोड़ उन्होंने विद इन टू मंथ्स बारो करके मार्केट च इंजैक्ट करने वो भी जो मार्केट काफ़ी ऑक्सीजन मिलेगी और मार्केटा एकदम रिवाइव होनगियाँ और आम बंदे काफ़ी राहत मिलेगी। जी इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की गई है चाहे सड़कों की गल हो चाहे होर कि गल हो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट की गल की गई और डेवलपमेंट को लैके आम लोगों तक वो कि चीज़ पहुँचेगी डेवलपमेंट तो सड़क बन गई आम लोगों को फायदा होगा लेकिन यद दूसरा पासा जो देखा जाए कि चाहे वह इंप्लॉयमेंट है चाहे वह होर चीज़ा ने कि देखो जी हर चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाल जुड़ी होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम आना शुरू हो जाता है वो जिन्हें भी सैक्टर है चाहे वह सीमेंट के प्लांट्स हो चाहे वह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो चाहे वह वुडन इंडस्ट्री हो गए हर इंडस्ट्री जी है वो लिंक्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर चो डिमांड आनी शुरू होएगी हर इंडस्ट्री की जी है वो डिमांड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़नी शुरू होएगी वो हर इंडस्ट्री के इंप्लॉयमेंट जनरेट होएगी और लोगों को रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आम लोग हो गए और आम लोगों के नाल जो आप एक डेवलपमेंट की गल की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और काफ़ी जो अमाउंट जो इतना रखा गया इसके अलावा जी इंडस्ट्री है क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जो इंडस्ट्री खड़ी है तो इंप्लॉयमेंट भी है इंडस्ट्री खड़ी है तो पैसा भी है इंडस्ट्री खड़ी है तो टैक्स भी है तो इंडस्ट्री को तुम कि देखते हो इस बजट में। देखो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने MSME के लिए भी स्पैशल प्रोविजन रखे हैं MSME प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी उन्होंने पैसा फंड एक्सट्रा रखे है और दूसरा जो स्टार्टअप्स है या जो न्यू जो यूनिट्स आ रहे हैं उन्होंने लिए भी रिलैक्सेशन काफ़ी दी है टैक्स रिलैक्सेशन दी है और दूसरा उन्होंने जो टैक्स पीरियड के रिलैक्सेशन का टाइम है उन्होंने भी एक्सटेंड कर दता है वो भी काफ़ी जो इंडस्ट्री के एकदम जो इफेक्ट आना शुरू होए। ठीक है जो कैलकुलेशन हिसाब से आप गल करिए तो थोड़ा जहाँ दसना होगा किन्ने करोड़ मतलब खास तौर पर या किन्ना करोड़ किन दिता है और सब तो वही गल जी है क्योंकि जी इंडस्ट्री है चलो ठीक है इंडस्ट्री डेवलप होएगी तो सारा कुछ वो जुड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा तो सारा कुछ जुड़ेगा आम बंदा क्योंकि सब तो ज़्यादा जो सर्विस क्लास बंदे होंगे या सब तो ज़्यादा जो दुखी और जो नौकरी करते चाहे वह प्राइवेट करते चाहे सरकारी करते हैं उन्होंने ये होंगे कि एर की सूँ कि टैक्स की रियायत मिलेगी और मैनू नहीं लगता कि टैक्स कोई इन गल खास की गई है तुम एज एक्सपर्ट की कहते हो। देखो टैक्स रिलैक्सेशन तो नहीं दी क्योंकि वह एक कारण यह सगा कि एक तो टैक्स रिलैक्सेशन पिछले साल भी काफ़ी देती दूसरा कारण यह रहा कि ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट के जोड़े रेवन्यूज़ काफ़ी स्क्वीज हुए और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पे जनरल पब्लिक या पुअर पीपल इन्होंने फ्री अनाज भी वंडिया या होर इन्ने तुहाडे सामने सारे जिहड़े खर्चे कर रहे गवर्नमेंट और उहदे विच स्कोप घट सीगा। हाँ एक काम कर सकती सी गवर्नमेंट इस बजट के विच कि जिहड़ी 80C की रिलैक्सेशन थोड़ी वधा के जिदा 1.5 लाख है उहनूं जे 2 लाख कर देंदे शायद ज़्यादा बैटर होंदा। बाकी टैक्स लैब्स तो मेरे ख्याल से पहलों ही 5 लाख से अप टू 5 लाख कोई टैक्स है ही नहीं है इस करके उहदे विच कोई उम्मीद भी ज़्यादा नहीं सीगी क्योंकि गवर्नमेंट दे अपने रेवन्यूज़ काफ़ी घटे दे। ओवरऑल जो गल करिए इस बजट में कितना नंबर देने एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्योंकि इस बजट के नाल उम्मीदा जुड़िया सी छोटे तो लैके वड्डे हर चाहे छोटे मजदूर की गल करिए या वड्डे इंडस्ट्रीज की गल करिए हर एक दी और एक सर्विस क्लास बंदे दी भी और किसानों की जो खास तौर पर गल करिए तो काफ़ी उम्मीद सी तुम इन किन्ने मार्क्स इस बजट में देने। देखो किसानों की तुम गल की किसानों लिए तो बहुत अच्छा बजट है और किसानों के लिए उन्होंने एक तो क्रैडिट फैसिलिटीज़ के भी काफ़ी इजाफा किया और किसान एग्रीकल्चर के बजट के उत्ते भी काफ़ी इजाफा किया और मेरे हिसाब नाल ओवरऑल जे देखा जाए क्योंकि यह ना चहुमुखी विकास वाला बजट है और ये जो विद इन फ्यू मंथ सानू रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे और मैं इस बजट नू मतलब 10 चो 8 नंबर देवांगा।
ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਜੋ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।